लोग मारे गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोलते और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जईफ मां एक मर्तबा बैंक को जाकर पैसे निकाली। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने अपनी मां को बैंक को भिजाया कोई बात नहीं, मगर हमको ये बता दो हमारी मां क्यों जाए बैंक को, मेरा पैसा है मैं क्यों जाकर लाइन में ठहरूं। मगर प्राइम मिनिस्टर एक और कल बात बोल दिए, लंबी लंबी बोलते हो, छोटी नहीं बोलते। क्या बोले आप? हिंदुस्तान की तारीख में आज तक इतना पैसा बैंक में नहीं आया ऐसा। ठीक है प्राइम मिनिस्टर, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आप 15 जनवरी से कह दो कि 24,000 की लिमिट निकाल दी गई, खुदा की कसम 15 दिन में 8 लाख करोड़ बैंक से निकल जाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ मेरे को? मेरा पैसा है मैं निकालूंगा। हमारे वजीर आजम बोले कि ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी, कितना ब्लैक मनी है? बोले 14 लाख करोड़ ब्लैक मनी है। आपको मालूम 500,000 की नोट 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ में से अब तक कितना बैंक को आ गया मालूम आपको? कितना आया? 13,40,000 करोड़ रुपये बैंकों में आ गया अब तक। ये ब्लैक का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा बैंक में आता। 14 लाख करोड़ का ब्लैक का पैसा 13,40,000 बैंक में आ गया। ब्लैक बैंक कुछ नहीं था, ये हिंदुस्तान के वजीर आजम सिर्फ शोहरत हासिल करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, आपने अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को मकबूल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को, मेहनत कशों को बेरोजगार करके रख दिया। मैं यह आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ